हे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे काइनमास्टर के अंदर स्टॉर्म लाइटनिंग इफेक्ट इंट्रो कैसे क्रिएट करना है। तो दोस्तों चलिए बिल्कुल भी टाइम वेस्ट किए बिना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप हमेशा की तरह एक बार इसका प्रीव्यू देख लीजिए, आज हम किस तरह का इंट्रो क्रिएट करना सीखने वाले हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप लोगों ने देखा, आज हम इसी तरह का इफेक्ट इंट्रो काइनमास्टर में कैसे क्रिएट करना है इस वीडियो के अंदर सीखने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए बिल्कुल भी टाइम वेस्ट किए बिना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इस तरह का इंट्रो आपको क्रिएट करने के लिए यहां पर आपको एक ऐप को यूज करना है जिसका नाम है काइनमास्टर। दोस्तों अगर आपके पास काइनमास्टर नहीं है तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन एक बार चेक कर लीजिए, वहां पर दोस्तों इसका लिंक दे दिया है, वहां पर आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। कर देने के बाद में दोस्तों सबसे पहले आपको यहां पर काइनमास्टर ओपन करना है। उसके बाद में दोस्तों आप देख सकते हैं एक ऑप्शन है प्लेस मार्क, सिंपली इसके ऊपर क्लिक करके यहां पर आपको 16:9 रेशियो सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में दोस्तों सबसे पहले आपको जाना है मीडिया कैप्शन के पर, और आपको यहां पर बैकग्राउंड के पर क्लिक करने के बाद में दोस्तों यहां पर आपको एक ब्लैक कलर का बैकग्राउंड सेलेक्ट करना है और इसको कर दीजिए सिंपली ओके। उसके बाद में दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं इसकी ड्यूरेशन सिर्फ 6 सेकंड की है, सिंपली आप इसके ऊपर क्लिक करके यहां पर आपको इसकी ड्यूरेशन 8 सेकंड तक आपको कर लेना है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं 8.1 इतना कुछ आप रख लीजिए। उसके बाद में दोस्तों आप इसको कर देना है सिंपली ओके। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं इतना आ गया ना आपको यहाँ पर 2.0 देख सकते हैं। यहाँ पर इतना आ गया के बाद में दोस्तों आपको जाना है लेयर के ऑप्शन के पर और मीडिया के ऊपर क्लिक कर लीजिए, और जहां पर भी आपका लोगो है दोस्तों उसको यहाँ पर से एक बार लोड कर लेना है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं इस तरह का यहाँ पर लोगो यूज कर रहा हूँ, और इसको कर देंगे सिंपली ओके। उसके बाद में दोस्तों अभी आपको जाना है सिंपली यहाँ पर लेयर के ऑप्शन के ऊपर और इफेक्ट्स के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आप एक ऑप्शन देख सकते हैं गेट मोर करके, सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर लीजिए। थोड़ी देर लोड होने के बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ इस तरह के इफेक्ट्स मिल जाएंगे। सिंपली यहाँ पर आपको थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको VHS रिवाइंड। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं VHS रिवाइंड, सिंपली इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। और दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे यहाँ पर इंस्टॉल करके लिखा आ रहा है, आपको वहाँ पर डाउनलोड करके लिखा होगा, सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद में दोस्तों सिंपली डाउनलोड होकर इंस्टॉल हो जाएगा और इसको कर देना है सिंपली बैक। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं वही VHS रिवाइंड यहाँ पर आपको शो कर रहा है, सिंपली इसके ऊपर क्लिक करके इस तरह का इसे इफेक्ट यहाँ पर सेलेक्ट कर देना है और इसको कर दीजिए सिंपली ओके। उसके बाद में दोस्तों अभी आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको सिंपली यहाँ पर देख सकते हैं इतना कुछ आप रख लेना है, एग्जैक्टली 4 इतना कुछ आप रख देने के बाद इसको कर देना है सिंपली ओके। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको थोड़ा इतना आ गया है, फिर उसी लेयर के ऊपर आपको टच करना है VHS रिवाइंड, और इसको कुछ इस तरह से आपको इस तरह से छोटा कर देना है, जितना आपका लोगो है उसके बॉर्डर तक आपको यहाँ पर क्रॉप कर देना है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको सिंपली सेटिंग के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर लीजिए, ये 50% होगा, इसको 100% कर दीजिए और इसको कर दीजिए सिंपली ओके। तो दोस्तों चलिए अभी आपको एक बार प्ले करके दिखाता हूँ इस बार आपको कैसे दिखता है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का सिंपल आपको ग्लिच इफेक्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा। अभी दोस्तों आपको क्या करना है, सिंपली इसके स्टार्टिंग पोजीशन पे आ जाना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 0-0 स्टार्टिंग पोजीशन पे आने के बाद में दोस्तों आपको जाना है सिंपली लेयर के ऑप्शन के पर और मीडिया के पर क्लिक कर लीजिए। उसके बाद में दोस्तों आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक फोटेज है, इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पर से आप इसको सिंपली डाउनलोड कर लीजिए। कर देने के बाद में दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से दिखेगा आपको, सिंपली यहाँ पर आपको इस तरह से फिट टू स्क्रीन कर लेना है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको ब्लेंडिंग करके, सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद में दोस्तों फिर से आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको स्क्रीन, इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए और इसको कर दीजिए सिंपली ओके। तो दोस्तों आपका इंट्रो मोस्टली क्रिएट हो चुका है, चलिए एक बार इसमें प्ले करके आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही प्रोफेशनल लुक यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। अभी दोस्तों आपको यहाँ पर इतना आ गया ना, यहाँ पर आप देख सकते हैं 4.95 तक आने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको जाना है लेयर के ऑप्शन के पर और यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है टेक्स्ट। उसके बाद में दोस्तों जो भी आपके चैनल का नाम है, जो भी आप उसके अंदर बताना चाहते हैं, सिंपली उसको यहाँ पर आप लिख लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर अभी मैं सिंपली मेरे चैनल का नाम लिख रहा हूँ एंड देन ओके। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से शो करेगा, आपको एक्जैक्टली ये जो ब्लैक पट्टी है इसके अंदर आपको रख देना है। और दोस्तों अगर आप इसका फॉन्ट चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर एक ऑप्शन है ए करके, सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर लीजिए और आपको यहाँ पर फॉन्ट्स मिल जाएंगे, जो भी फॉन्ट आपको अच्छा लगता है वो यूज़ कर लीजिए, या नहीं तो दोस्तों इस शॉप के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके आप अपना मनपसंद फॉन्ट डाउनलोड करके उसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं अभी सिंपली इसको यूज़ कर रहा हूँ और इसको कर देते हैं सिंपली ओके। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से आपको यहाँ पर शो करेगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से मैंने यहाँ पर प्लेस किया, और यहाँ पर आपको सिंपली इन एनिमेशन के ऊपर क्लिक करके फेड वाला एनिमेशन लगा लीजिए, और दोस्तों इसकी एनिमेशन स्पीड आपको 0.5 कर देना है और इसको कर दीजिए सिंपली ओके। तो दोस्तों अभी देखते हैं अब कैसा दिखेगा आपको। दोस्तों देख सकते हैं बहुत ही प्रोफेशनल लुक यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। अभी दोस्तों आपको फाइनल स्टेप क्या करना है, सिंपली यहाँ पर आपको सेटिंग ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है और वीडियो के ऊपर क्लिक करने के बाद में दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं वीडियो फेड आउट ये डिसेबल होगा, सिंपली इसको एनेबल कर लीजिए और इसकी फेडिंग एनिमेशन आपको 1 सेकंड कर देना है और इसको कर दीजिए सिंपली ओके। तो दोस्तों आपका इंट्रो मोस्टली क्रिएट हो चुका है, चलिए इसे एक बार आपको मैं प्ले करके दिखा देता हूँ।
दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही प्रोफेशनल लुक यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों इस तरह से इस प्रोसेस को यूज करके आप भी कुछ इस तरह के लाइट स्ट्रोमिंग इफेक्ट इंट्रो क्रिएट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी पसंद आए तो यार प्लीज वीडियो को लाइक करना ना भूले, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और दोस्तों ऐसे ही और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। वीडियो पूरा देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद।